हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम दास और ये सेकंड वीडियो है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा का। तो फिलहाल क्या है कि अभी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखा था। अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में देखा था कि जो वो चीज़ जो है बेसिकली तुम्हारा जो तीन एक्स तुम्हारा एल एक्स एल वाई एल जेड हो गया तुम्हारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो एक अपने आप में एक रिलेशन फॉलो करता है जो बेसिकली कि एल एक्स और वो चीज़ जो है वो उसे कहते हैं हम कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करते हैं इसको ली अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो हम क्या करते हैं, इंस्टेड हम भी ऐसे ही एक डिफाइन करते हैं एक कम्यूटेशन रिलेशन फॉर जो इंट्रेंसिक स्पिन होगा। जो इंट्रेंसिक स्पिन है ये बेसिकली जो है कोई इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। इस ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इन ओरिजिन है एंड एंड क्वांटम मैकेनिकल इन ओरिजिन है पर या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी जो है इस चीज़ को फॉलो करे, बिकॉज ये एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा, ये एलजेब्रा है। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज ये भले ही हम ये यहाँ पे ऐसे पोस्टुलेट दे रहे हैं, पर इन रिलेटिव से क्वांटम मैकेनिक्स ये चीज़ ऐसे वहाँ से निकल के कैलकुलेशन के बाद निकल के आ जाता है, ऐसे पोस्टुलेट देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकल के आता है। पर हम इसको नॉन रिलेटिव से क्वांटम मैकेनिक्स में एज ए पोस्टुलेट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये हो गया तो हम वहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ ऐसे फॉलो करे, और हमने उसके बाद एक टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है कि उसमें हमने जे इजिकल टू एल प्लस एस डिफाइन किया। तो इसके तो एल प्लस एस डिफाइन किया, तो इसका जो है ये काफ़ी ऐसे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि एल प्लस एस जो है सिंपल नॉर्मल सम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि अल्टीमेटली तुम्हारा कई बार ऐसे इसको लिखना कैसे है? तो कई बार ऐसा होता है कि एल जो है वो कुछ थ्री या फोर ऐसे स्पिन हमें पक्का पता है कि स्पिन जो है या तो प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ होगा, बेसिकली उसका स्पिन हाफ होता है। तो भाई 2s+1 थ्योरी, 2s+1 उसका डायमेंशन हमेशा 2 होगा, बेसिकली हाफ स्पिन के केस में का जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन हमेशा 2 होता है। पर एल जो है यहाँ पे बहुत उसके हायर डायमेंशन भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी हमेशा 2 हो। तो ये एल प्लस एल अगर हम कोई मैट्रिक्स में लिखेंगे, एस भी हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो अगर एल हमारा 3x1 मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा 2x1 मैट्रिक्स हो गया, तो इसका समेशन सम डिफाइन नहीं है। तो उसको सम करने का एक तरीका है। ठीक है, और वो तरीका क्या है, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, या एल जो है हम एल में ले रहा हूँ तुम्हारा जो एल स्पेस है वो तुम्हारा 3 डायमेंशन का है। ठीक है, तो एल वेक्टर स्पेस जो है वो तुम्हारा 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो कुछ ऐसे होगा एल से सपोज L1 L2 एल से ऐसे करके हमने लिखा, और स्पिन के केस में क्या लिख रहा हूँ मैं इसको S1 S2 ऐसे करके दो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो उसका सम कैसे डिफाइंड होगा, उसका सम कुछ ऐसे डिफाइंड होगा, सपोज इसके वेक्टर स्पेस को मैं V1 बता देता हूँ, इसको V2। तो क्या होगा कि L1, ठीक है, L1 जो बेसिकली हमारा ये L और ये हमारा मैं मैट्रिक्स को S बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इनटू टेंसर प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ V1 मैट्रिक्स प्लस S इनटू आइडेंटिटी ऑफ V2 मैट्रिक्स। यूजुअली जो है तुम्हारा जो जे जो बोलते हैं कि कोई सम है, बेसिकली इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि तुम जो L का है, L है उसका टेंसर प्रोडक्ट कर रहे हो I विद V1, और उसको S का तुम टेंसर प्रोडक्ट कर रहे हो विद V आइडेंटिटी ऑफ V2 एंड देन यू डू द समेशन। तो क्या होगा कि बिकॉज ये 3 एंड 2 हो गया, तो इस ये 3 है इसका 2 है, तो टेंसर प्रोडक्ट में होता है टोटल 6 हो जाता है।
तो 6 इसका डायमेंशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो तुम टेंसर प्लॉट लोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 क्रॉस 1 6 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जो है अब इसका समीशन डिफाइंड है, ठीक है। और एक चीज़ आती है कि एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो है हमारा जे एल और वन के सामने वन क्यू, वन ही क्यू है, वाई नॉट कोई अदर नंबर? हम जे इज इक्वल टू से 2L प्लस एस क्यू नहीं लिख सकते, या फिर ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन? तो आंसर इसका यह है कि सपोज़ हम कोई और नंबर लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जे जो है वो एक एंगुलर मोमेंटम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जे जो है वो भी एक एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा फॉलो करे, यानी कि जो ली अलजेब्रा है कि जे एक्स वहाँ जे वाई कमा जे इज इक्वल टू आई एच कट जे जेड, ये जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है जैसे और इसके सारे परमिटेशन होंगे वो इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर हम वाई इक्वल टू 1, 2 हम 1 या इसके यहाँ पे अगर हम कोई और भी अगर से 2 या 3 कुछ और भी वैल्यूज के लिए ये चीज़ वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ये हो गया। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि अभी क्या है कि हम देखने वाले कि ये जिस चीज़ अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ भी जो है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा फॉलो करती है, वो कैसे हम देखेंगे? तो जे एक्स क्या है हमारा, हो जाएगा एल एक्स प्लस एस एक्स, जे वाई हमारा हो जाएगा एल वाई प्लस एस वाई, हमारा जे जेड हो जाएगा एल जेड प्लस एस जेड। नाउ इस पर हम थोड़ा कैलकुलेशन करकेंगे कि जे एक्स को जे वाई क्या आता है, ठीक है। जे एक्स को जे वाई को हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एस एक्स कोमा एल वाई प्लस एस वाई, और इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं एल एक्स कोमा एल वाई प्लस एल एक्स कोमा एस वाई प्लस एस एक्स कोमा एल एक्स, सॉरी एस एक्स कोमा एल वाई प्लस एस एक्स कोमा एस वाई। ना इसका अगर हम कैलकुलेशन करके तो क्या देखते हैं, ये वाला टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज एल एक्स एंड वाई के टर्म्स में, तो ये वाला टर्म आएगा आई एच कट एल जेड, और ये वाला टर्म क्या आता है एस एक्स और एक्स वाई का कैलकुलेशन में आता है कि प्लस आई एच कट एस जेड। तो हमारे पास क्या आएगा आई एच कट एल जेड प्लस एस जेड, विच इज आई एच कट जे जेड। बेसिकली ये सिमिलरली हम अगर करेंगे तो हमें मिलेगा वो बाकी सारे जो कंडीशंस हैं बेसिकली कि जे वाई कोमा जे जेड, सिमिलरली हम इसको डिराइव कर सकते हैं आई एच कट इज इक्वल टू जे एक्स। एंड जे जेड कोमा जे एक्स इज इक्वल टू आई एच कट जे वाई, ये हम तीनों रिलेशन सिमिलरली डिफाइन या डिराइव कर सकते हैं। नाउ अभी हम एक और एक टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जिसको जे प्लस, जिसको हम कहते कहेंगे जे एक्स प्लस आई जे वाई, ये आयोटा है, और जे माइनस जो कि है जे एक्स माइनस आई जे वाई। तो ये जो ऑपरेटर्स है इसको हम कहते हैं ये क्रिएशन, और इस और ये जो ऑपरेटर है बेसिकली तुम्हारा या लैडर ऑपरेटर बोलते हैं, लैडर ऑपरेटर्स जो तुम्हारा क्वांटम फील्ड थ्योरी में इसको हम क्रिएशन एनालाइजेशन ऑपरेटर्स बोल देंगे, वो हो जाएगा। ये क्या है कि इनको हम लैडर ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं एक चीज़ नोटिस दिखाना चाहता हूँ कि देखिए देखो कि जे प्लस जो है और जे माइनस जो है ये इसका अगर हम हर्मिशन बेसिकली हम इसका हर्मिशन लेंगे तो क्या हो रहा है आयोटा इसका माइनस आयोटा हो जाएगा, तो क्या हो रहा है कि जे जे प्लस का हर्मिशन इज जे माइनस, और सिमिलरली जे माइनस का हर्मिशन इज जे प्लस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो जे डेगर प्लस का जो हर्मिशन है हमें जे प्लस नहीं मिल रहा, ठीक है, ये एक चीज़ देखने वाली है। तो यानी कि ये चीज़ है कि ये चीज़ जो है हर्मिशन नहीं है, ठीक है, ये जो हमारा जो जे प्लस है जे माइनस है ये हर्मिशन स्ट्रिक्स नहीं है, हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। अभी ये दो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हर्मिशन नॉन हर्मिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमें कोई जो कोई स्टेट मिला है जो इसका आइगन स्टेट है, जे प्लस का आइगन स्टेट है साइक, तो उसका अगर हम इसका डुअल स्पेस में देखेंगे
तो अगर हम बेसिकली डुअल स्पेस का अगर ये देखेंगे, ये जे प्लस ऑपरेटर हमारा बेसिकली जे माइनस ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हमारा जो अगर जे प्लस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, जे प्लस जे माइनस प्लस साई, ये होगा हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे प्लस, ठीक है। दिस इज अ थिंग आपको समझ रहे हैं। अभी थोड़ा हम और एक थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जस्ट कुछ चीज़ निकाल देखने के लिए। हम देखेंगे कि जे स्क्वायर और जे प्लस का कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, कम्यूटेशन करने पर क्या आता है। तो जे स्क्वायर क्या है कि इस कॉमा जे एक्स कॉमा जे स्क्वायर कॉमा जे वाई आयोटा, तो क्या आता है ये जे स्क्वायर क्या है हमारा, ये हमने पहले भी देखा था शायद इसके उस पहले वीडियो में कि जे स्क्वायर क्या होंगे, जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस जे एक्स, ठीक, और सिमिलरली जे यहाँ पे सेम चीज़ होगा, यहाँ वैसे जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जेड स्क्वायर और जे वाई। तो इफ़ यू रिमेंबर कि एल एक्स और एल वाई वाले में केस में क्या होता है, ये हमने जब कैलकुलेशन किया था वो इसमें जीरो आया था, सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो आएगा, तो ओवरऑल जीरो आएगा। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि तो हमारा जे स्क्वायर और जे प्लस जो है एक दूसरे के साथ वो कम्यूट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई एक ऐसा स्टेट या बेसिस स्टेट मिल जाएगा जो बेसिकली दोनों का आइगन स्टेट्स होगा, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें चूज चॉइस करना है। हम करते हैं, अब देखते हैं कि जे जेड जो है ये जे जेड के साथ उसका क्या केस है, जे जेड और जे प्लस का क्या है। तो जे जेड क्या कि इस एल जेड प्लस एच जेड कॉमा जे एक्स प्लस आई जे वाई, और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं एल जेड, एक काम करते हैं इसको ऐसे नहीं तोड़ते, इसको हम जे जेड ही रखते हैं। जे जेड क्या हो जाएगा, जे जेड कॉमा जे एक्स प्लस आई इंटू जे जेड कॉमा जे वाई, तो जे जेड कॉमा जे एक्स क्या कि जे और एक्स और जे जेड और जे एक्स में हमें क्या मिला था, उससे हम ये भी जो है लील जबरा फॉलो करते हैं। तो जेड कॉमा एक्स क्या हमें देगा, वो देगा हमें आई एस कट जे वाई, और जे जेड कॉमा जे वाई जे आई वो दोनों भी कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करते हैं। तो ये क्या देगा कि जे जेड कॉमा जे एक्स जे वाई क्या, इसको फर्स्ट हमें अपोजिट करना पड़ेगा, जे वाई कॉमा जे जेड हमने साइक्लिक बनाया इसको, आई एच कट जे वाई माइनस आई जे वाई कॉमा जे जेड क्या है कि ये है हमारा ये होगा जे आई एच कट आई एच कट को हम क्या कहते हैं, इसको आई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं इन टू जे एक्स। तो ये चीज़ अगर हम आई एच कट को बाहर लेके जाए, ठीक है, और जे वाई माइनस आई जे एक्स, ठीक है, एक काम करते हैं इसको ऐसा नहीं लिखते, अब माइनस आयोटा इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एच कट जे एक्स प्लस आई एच कट जे वाई ऐसा हो जाएगा। तो एच कट हम निकाल देते हैं, तो ये क्या होता है कि जे एक्स प्लस आई जे वाई ये बन जाता है। तो हमने कुछ देखा था कि ये कुछ किसी के साथ मैच करता है, हम जब ऊपर जाके देखते हैं तो ये बेसिकली जे प्लस, ये हमें दिखता है कि ये जे प्लस का वैल्यू ही वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा एच कट जे प्लस बन जाएगा, ठीक है। हमने कुछ ऐसे बस कुछ कैलकुलेशंस करके देखे, फिर अभी क्या है कि हम ये सारे कैलकुलेशंस नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करने वाला है और सब चीज़ और अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे और थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है।